एक बड़ी अपडेट, इस्लामिक धर्मगुरु तौकीर रजा खान ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया है। मुस्लिम धर्मगुरु ने मुसलमानों को एकजुट होकर दिल्ली का घेराव करने की मांग की है। मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा, किसी के बाप की औकात नहीं कि हमारी संपत्ति पर कब्जा कर सके। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। इतना ही तौकीर रजा खान ने इस दौरान कहा, हमारे नौजवान बुजदिल नहीं, हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल कर रखा है। साथ ही उन्होंने सरकार का घेराव करते हुए कहा, सरकार हमेशा से बेईमान रही है, आज सबसे बेईमान है। बता दें, तौकीर रजा खान इत्तेहादे मिल्लत परिषद के प्रमुख है। तौकीर रजा ने यह बयान जयपुर में दिया है। एक बड़ी अपडेट, इस्लामिक धर्मगुरु तौकीर रजा खान ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया है। मुस्लिम धर्मगुरु ने मुसलमानों को एकजुट होकर दिल्ली का घेराव करने की मांग की है। मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा, किसी के बाप की औकात नहीं कि हमारी संपत्ति पर कब्जा कर सके। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। इतना ही तौकीर रजा खान ने इस दौरान कहा, हमारे नौजवान बुजदिल नहीं, हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल कर रखा है। साथ ही उन्होंने सरकार का घेराव करते हुए कहा, सरकार हमेशा से बेईमान रही है, आज सबसे बेईमान है। बता दें, तौकीर रजा खान इत्तेहादे मिल्लत परिषद के प्रमुख है। तौकीर रजा ने यह बयान जयपुर में दिया है।